हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं डॉग ग्रूमिंग की बात करूंगा। डॉग ग्रूमिंग में हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखते हैं वो होता है डॉग को कॉम करना। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ही ह्यूमिड मौसम है, डॉग्स के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ऑलमोस्ट हर एक डॉग के। तो इस टाइम पर हमें कौन सी कंघी को यूज़ करना है, कई बार यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेरे पास इस टाइम ये चार कॉम हैं, इन सबको मैं वन बाय वन ट्राई करूंगा। मेरे पास ये घर की कंघी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस घर की कंघी को ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कंघी इनके मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है। आपको इसी को लेकर कंटिन्यू करना है, या अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इनमें से आपको किसको यूज़ करना पड़ता है। मैं सबके लिंक्स हैं जो वो अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको खरीद सकें ऑनलाइन। तो अगर आप अपने कॉम की प्रॉब्लम को लेके एक सॉल्यूशन चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जो कॉम है इसको ट्राई करेंगे। इजी सिंबा, इजी। इस सीजन में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, यू कैन सी। इस कॉम ने इतने हेयर्स को फैच किया है। अब हम दूसरे को ट्राई करेंगे। सेकेंड कॉम है जो हमारे घर में होती है एक, ये बच्चों के लिए यूज़ की जाती है या बहुत लोग इसे पॉकेट में भी रखते हैं। इसको ट्राई करेंगे। इजी सिंबा, इजी। नो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना इसने भी बालों को, इतने बालों को फेच कर लिया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए ये ठीक है, बट अगर डॉग जैसे जर्मन शेफर्ड होता है या हैवी कोटिंग वाला कोई भी डॉग है, उसके लिए आई थिंक ये काम नहीं करेगी। तो लेट्स ट्राई द थर्ड वन। तो थर्ड जो कॉम है वो ये है, और ये डबल साइडेड है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। ये जो साइड है ये काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, बिकॉज वो स्टील के होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक बार पहले कॉम हो चुका है तो इस बार कम बाल झड़ेंगे, बिकॉज इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। लेकिन सी, यू सी, देखिए बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। लेकिन ये जो कॉम है इससे मुझे लगता है बालों को निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो अब दूसरी साइड इसकी ट्राई करेंगे। ये साइड मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही कम इफेक्टिव है। तो अब हम हमारी लास्ट वन ट्राई करते हैं, जो है फोर्थ वन। फोर्थ वन है वो ये है, इसमें इस टाइप के ये स्टील के छोटे छोटे दांत बने हुए हैं। अब हम इसको ट्राई करेंगे। ईजी, ईजी। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक दिस, यस। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बाल इसने निकाल लिए हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेड हेयर हैं मेरे डॉग पर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंघी की, और बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये है जो वो बेस्ट है, क्योंकि इसको साफ़ करना भी आसान है, इसे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं इसको फर्स्ट पे रेट करूँगा। उसका कारण ये है कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बाल निकाल देगा, इसको साफ़ करना आसान है, तो टाइम कम है और काम ज़्यादा अच्छे से करेगा। जो सेकंड है वो है दिस वन, बिकॉज इस साइड से ना तो डॉग को ज़रा सा भी कुछ फील होगा और बहुत ज़्यादा बाल निकल जाएंगे, लेकिन इससे बाल निकालने में बहुत टाइम लगेगा। ये साइड मुझे नहीं लगता कुछ खास यूज़फुल है, बट स्टिल इट्स अ पर्क, तो ये भी एक अच्छी बात है।
थर्ड वन इज दिस वन, जो बेसिक होती है, जो एक घर की कंघी है हमारे, मुझे लगता है कि ये थर्ड पे होनी चाहिए। बाकी सबका ओपिनियन अलग अलग है, आपने देखे हैं रिजल्ट्स, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इस कॉम को लेके मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डॉग के सिर्फ गर्दन पे ज़्यादा बाल हैं, और कुछ डॉग्स पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छी है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और इसके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये किसी के लिए बहुत अच्छा काम भी कर सकती है, लेकिन किसी के लिए ये शायद कुछ भी काम ना करें। तो आई विल लीव दिस वन ऑन यू, सो यू गाइज कैन डिसाइड। फॉर मी जो मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर डॉग रिलेटेड वीडियोज़। पीस।